नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड। बता दूं मैं आपको कोरोना से अपडेट। जी हां साथियों, कोरोना से रिलेटेड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट भैया कोरोना ही है। अगर कोरोना में उतार चढ़ाव होगा तो आपका सिस्टम भी उतार चढ़ाव पे आएगा। मेरा मानना है कि अगर कोरोना अभी ये मान के चलिए पिक डाउन ही है, ऊपर नहीं जा रहा है, डाउन ही जा रहा है। अच्छी बात है, सऊदीया में डाउन चल रहा है, कुवैत में डाउन चल रहा है, बाकी गल्फ कंट्रीज में तो सब में डाउन ही है। 3 से 4 मिनट में पूरी डिटेल से बता दूंगा। ये लगभग 31 अगस्त का मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। इसके आधार पे आप पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सी कंट्री में डाउन चल रहा है। तो अच्छी बात है, आपके लिए भी फायदे का सौदा ये रहेगा कि आपका भी जल्द समाधान हो सकेगा। चाहे आप छुट्टी आए हैं, चाहे आपका वीज़ा कैंसिल हो रहा है, चाहे आपको फ्लाइट बनानी है, चाहे आपको वहाँ से इधर कुछ भी एक्स वाई जेड है, इसी पे डिपेंड करेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, स्क्रीन पे देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कतर से रिलेटेड। तो कतर का मैं बता दूं साथियों, अभी तक टोटल केस कतर में आए हैं 1,18,778 केस। जी हाँ, इसमें डेथ रेशियो कम है, बिल्कुल 200 के करीब ही है अभी तक। डेथ रेशियो ज़्यादा नहीं है, 197 के करीब अभी तक डेथ हुई है लोगों की। आगे बात करें, इसमें से रिकवर बहुत अच्छा हो गया भाई, 1,15,667 रिकवर हो गई है। मान के चलिए राउंड फिगर इसमें 3,000 का आंकड़ा निकल के आ रहा है कि भाई 3,000 लोगों का इसमें अभी तक पेंडिंग केस चल रहे हैं। यूएई की बात करें, दुबई की, तो दुबई में साथियों अब तक बता दूं 31 अगस्त तक का आंकड़ा है 70,231 केस अभी तक टोटल आए हैं। डेथ की बात करें तो 384 लोगों की अभी तक डेथ हुई है इसमें, और रिकवरी की बात करें तो भाई 60,961 लोगों की रिकवरी हो गई, यानी लगभग 9-10,000 के करीब आंकड़े हैं इसमें जो अभी तक पेंडिंग है, बाकी रिकवर कर लिए गए हैं। कुवैत की बात कर लेते हैं आगे। कुवैत में साथियों बता दूं लगभग 85,000, जी हाँ 85,000 का आंकड़े अभी तक निकल के हैं। टोटल कोरोना केस पॉजिटिव हैं, उनमें से 531 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है और 77,234 लोगों को अभी तक इसमें रिकवर कर लिया गया है। जी हाँ, इसमें 8,000 लोगों का अभी तक पेंडिंग चल रहा है। अब यहाँ पे कॉमन की बात है, आपको सोचने की बात है कि यूएई में देखिए 10,000 केस पॉजिटिव अभी तक पेंडिंग है, ठीक है, और कुवैत में मात्र 8,000 केस पेंडिंग है। फिर भी देखिए दुबई 100% ओपन हो चुका है, यूएई दुबई 100% ओपन है, फ्लाइटें, बिजनेस, आपका वर्क परमिट वीज़ा, विजिट वीज़ा सब चालू है। और कुवैत ने, एक तरफ कुवैत है जो कम आंकड़े होते हुए भी इस पर बैन लगा के कुंडली मार के बैठा है, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं कर पाया कुवैत सरकार ने, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी सोचने की बात है। बात कर लेते हैं सऊदी अरबिया से। जी हाँ, सऊदी अरबिया में टोटल केस 3,15,772 केस अभी तक आए हैं। इनमें से अगर बात करें डेथ की तो 3,857, जी हाँ यह लगभग 4,000 के करीब अभी तक लोगों की डेथ हो चुकी है सऊदी अरबिया में। इसमें रिकवरी की बात करें तो ठीक है, 2,90,291 मान सकते हैं, 291 का अभी तक रिकवरी हो चुका है। लगभग 25,000 के करीब अभी तक पेंडिंग केस इसमें आ रहा है, सऊदीया में डाउन आ रहा है। पहले 1,000 था, अभी 900-850 के करीब अभी तक केस डाउन चलते आ रहे हैं, तो उम्मीद है जल्दी सऊदीया में स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं ओमान। ओमान में साथियों बात करें ना कोरोना केस की, तो भाई 85,782 केस अभी तक पॉजिटिव आए हैं। जी, उनमें से डेथ की बात करें तो 685 लोगों की अभी तक डेथ हुई है ओमान में, और इनमें से रिकवरी की बात करें तो 80,810 केस अभी तक रिकवर हो चुके हैं। जी, और 5,000 के करीब 5,000 का एवरेज आ रहा है कि भाई केस पेंडिंग अभी है, तो ठीक है, ओमान में भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है। आगे बात कर लेते हैं बहरीन से रिलेटेड। तो भाई बहरीन में देखिए 51,972 लोगों का अभी तक कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए हैं, और डेथ की बात करें तो 190 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। जी हाँ, और इनमें से 49,000 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 2,500-3,000 पेंडिंग केस हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, बाकी रिकवर कर लिए गए हैं। आगे बात करें साथियों इराक, इराक का भी भाई ये इसमें पार्ट इम्पोर्टेंट है। 2,34,934 लोगों का अभी तक पॉजिटिव केस पाए गए हैं, और डेथ की बात करें तो लगभग 7,000 प्लस अभी तक यहाँ पे डेथ हो चुकी है इराक में, और रिकवरी की बात करें तो 1,76,600 लोगों की रिकवरी कर ली गई है। एवरेज देखें तो 50,000 समथिंग कुछ ज़्यादा इसमें पॉजिटिव केस अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। अब इंडिया 8 नंबर पे देख लेते हैं भाई, क्योंकि मैन अपना इंडिया पे डिपेंड रहेगा। इंडिया में टोटल कोरोना केस 31 अगस्त तक 36,94,878 लोगों का केस पॉजिटिव पाए गए थे। डेथ की बात करें तो 65,000 प्लस डेथ अभी तक हो चुकी हैं इंडिया में। रिकवरी की बात करें तो 2,84,000 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। जी हाँ, तो लगभग 8,00,000 लोगों का इसमें पेंडिंग केस है। जी हाँ, इंडिया का मैंने बता दिया भाई, 8,00,000 अभी तक कोरोना केस पेंडिंग पड़े हैं, बाकी लगभग रिकवर हो चुके हैं। डेथ रेशियो इंडिया में बहुत कम है, मात्र 2% डेथ रेशियो, यानी 100 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं
तो दो लोग उनमें से जान जा रही है। तो डेथ रेशियो ठीक है, रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। उम्मीद है कि भाई जल्द ही इस सितंबर में इंडिया में भी कुछ सुधार आने की संभावनाएं हैं। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि भाई कोरोना के आधार पे कौन सी कंट्री की क्या कंडीशन है। वीडियो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इन कंट्रियों से रिलेटेड मैं आपके पास वीडियो पहुँचाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।